जो LIC दुनिया का इंश्योरेंस करती थी उसने खुद का इंश्योरेंस भूल गई थी वो। कल खत्म हो गई भाई साहब, सही बताते हैं यार ये ना। हाँ ये खत्म करने पे तुले हुए हैं दोनों, सही बता रहा हूँ। हमें ये अमित शाह, अच्छा हमारा दो तीन अवतार हैं यहाँ पे, हम स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, लोग वहाँ देखते हैं और वो इस चक्कर में मुझे नहीं देखते हैं, कम मेरा फोटो आ जाए इस पे और मैं हंसते हुए दिख जाऊँ, इसलिए देखते लिए। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, रमेश भैया बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा बुलाया, मतलब आपने अगर इस दो कवियों के बाद हमें शॉल नहीं दी होती। तो हम निपट गए होते भाई साहब, मैं सही बताता हूँ। मैं पेमेंट लेने आया ही नहीं था, मैं शॉल लेने आया था, भाई साहब दे दिया है आप लोगों ने, मैं सही बताते हैं। पीछे वाले क्या अच्छे लोग हो यार आप लोग, मतलब भगवान का नाम क्यों आए हो आप लोग, मतलब हद हो गई यार, क्यों आए हो बताओ ना, क्यों आए। एक बार पूरा पांडाल हाथ उठा करके ताली बजा के बताए कि इस ठंडी उंडी ने जोरदार ताली बजाए। बहुत अच्छे दिन है, इतने लोग हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे ही ताली बजवा करके टैक्स काटते हैं। हाथ उठा के ताली बजाओ, कट गई। ले क्या कमाल का प्रधानमंत्री है भैया हमारा, हाय 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 हाय। पहले कहते थे ना खाने दूंगा, न खाया खाऊंगा न खाने दूंगा, अब उनका नारा बदल गया है, अब वो बोलते हैं न सोया हूं न सोने दूंगा। भाई साहब क्या क्या काम कर रहे हैं यार, मतलब हद हो गई है यार ये लोगों को। अच्छा एक हमारे यहां मेरे को लोग बोलते थे प्रधानमंत्री 5 बजे उठ जाता है, मैं सोचता था न बीवी है न बच्चे हैं, करते क्या होंगे उठ करके। लेकिन जब महाराष्ट्र में 5 बजे देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली तब मैं समझ गया कि यही वाला काम 5 बजे करते हैं भाई साहब, और कोई काम नहीं। ताली कमजोर है यार आपको, मैं खोल करके मानूंगा, टेंशन न लो। हाँ आएगा आएगा। जो महिलाएं ज्यादा मेकअप करके आई हैं वो धीरे धीरे हंसे। हाँ आप अभी रूम में पहुंचो, पति पहचानने से इनकार कर दे कि गई तो ये वाली नहीं थी यार, आई है गलत कहाँ से आ गई है भाई साहब, मैं सही बताता हूँ। हाँ हाँ सर, अभी आप खुले नहीं हो, मैं खोल के जाऊँगा, देखो टेंशन लेना नहीं। मैं दुबला पतला जरूर हूँ लेकिन मैं जियो का सिम हूँ, नेटवर्क भरपूर पकड़ता है भाई साहब, सही बताता हूँ आप लोगों को। अभी तो फाइबर लॉन्च हो गया है, बहुत अच्छा है, बहुत इस किनारे के लोग भी बहुत अच्छा है, मतलब साथ साथ आपको क्या बताऊँ। ये लोग प्यार व्यार सुना रहे थे, ये नौजवान लड़के हैं, मैं दुनिया में कहता हूं कि लव मैरिज करो। हाँ लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज बंद होना चाहिए। ध्यान से सुनोगे मजा आ जाएगा। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक डिफरेंस है, लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। अपनी अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए, जो भुगत रहे हैं वो समझ ही रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं भाई साहब। लॉ मैरिज करो यार। अरे और अभी आप खुले नहीं हो, बड़े मन के साथ बताता हूं, जिसने प्रेम किया वो सुखी रहा। कृष्ण ने प्रेम किया, वृंदावन में रहे, राम ने विवाह किया, वन में रहे 14 साल, शंकर ने शादी की, तांडव करना पड़ गया भाई साहब। ये तो गनीमत है शाह साहब कि ये लड़कियां लड़के देखने नहीं जाती, वरना कहती इसी डिजाइन में एक और दिखाना। जोरदार ताली बजाओ यार, मैं काम कर रहा हूं। अच्छा दिनेश, बहुत अच्छा, फाइव स्टार बन जा। अरे यार इनकी तो भगवान कसम बताते हैं, हम हमारी भी एक बार शादी हुई, जिसकी एक बार होती वो घर में रहता है, जो जबरदस्ती करता है वो जोधपुर रहता है। हाँ समझा करो धीरे धीरे। अब हम खड़ गए, बिना मेरी दीदी हैं बिनिका जी, क्या बढ़िया संचालन कर रही थी, इतना मीठा बोली, आशा करता हूँ घर में भी इतना ही मीठा बोलती होंगी। हाँ लेकिन एक बात बताऊँ, आप लोग मारवाड़ी लोग हैं, मारवाड़ी आदमी वो होता है जो मिस कॉल के बाद भी बैलेंस चेक करता है। मेरा दावा है शाह साहब, जिस गाड़ी से आप बंबई में आए होंगे स्टेपनी के ऊपर भी एक आदमी बिठा के लाए होंगे, कोई सीट खाली नहीं जानी चाहिए भाई साहब, सही बताता हूँ आप लोगों।
दुनिया में आपसे बढ़िया बिजनेसमैन कोई नहीं, कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन ये महिलाएं हैं, आ हा 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 हा, इनको जो दो डबल करके देती हैं, इन्हें मुस्कुराहट दो ठहाका कर देती हैं, इन्हें अन्न दो भोजन बना करके देती हैं, इन्हें घर दो मकान दो घर बना के दे देती हैं, ये महिलाओं को जो दो डबल करके देती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें अगर छोटी मोटी तकलीफ दो भगवान कसम जो आपको मिलेगा ना जिंदगी भर नहीं भूलोगे। हाँ, हम जानते ना, देखिए एक बार और एक बात बताऊं, देखो दुनिया कहती है पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान, गलत बात है, पुरुष प्रधान देश नहीं है, यह स्त्री प्रधान देश है। आप कभी सब्जी मंडी जाओ, फल मंडी जाओ, देखिए सारी सब्जियां स्त्रीलिंग, सारी सब, भिंडी, धनिया, मिर्ची, मेथी, सब स्त्रीलिंग, हमारे नाम पे कद्दू, करेला, बैगन, साला कोई इज्जत की सब्जियां तक नहीं हमारे नाम पे, और पुरुष प्रधान देश है। आप फूल मंडी जाओ, फूल मंडी, जूही, चंपा, चमेली, हमारे नाम पे गेंदा, रोड पे फेंके रहते हैं भाई साहब, हम किलो के भाव बिकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं आप मारवाड़ी लोग हैं, भारतीय लोग हैं, भारतीय आदमी की आदत होती है कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर दसवीं बार भी सुन रहा हो तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक वो अच्छत फूल नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। अगर 3 साल पहले आपने मुझे ठीक से सुन लिया होता 30 साल आपके 50,000 रुपये बच गए होते, तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना, मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी, कोई तनाव पालना ही नहीं, अध्याय समाप्त हुआ। एक अंग्रेज आया शाह साहब मेरे हिंदुस्तान, 14 मतलब कितने पुण्य के काम करते हैं, मंदिर इतना बड़ा बना दिया, ये सब बना दिया। एक बार तो शाह साहब एक आदमी मेरे पास आए, शौली मंच पे खत्म, तो अगले ने 10 तोले का चैन डाल दिया मेरे गले में, मैं खुश आज भी भगवान से मना रहा था कि अगर आज शॉल खत्म हो जाती भाई साहब। बाद में पीछे देखा तो रमेश भैया ने 4 शॉल रखी थी, बोला बेटा आज नहीं मिलेगा तुझे, मेरी किस्मत खराब है, अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, मैं ठीक कर दूंगा, देखिए आनंद लीजिए, मैं अध्याय समाप्त बोलूं वही ताली ठोकना, कोई दिमाग मत लगाओ, ठंड में क्या जरूरत है दिमाग लगाने की, हाथ चलाओ हाथ चलाओ। देखो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं क्या मुस्कुरा रहे हैं, बुजुर्ग मुस्कुराती है तो मुझे अच्छा लगता है, ये लोग बैठी हुई हैं सब प्रेम सुना रहे हैं, मेरा दावा है जो लोग प्रेम में असफल हो जाते हैं वो प्रेम गाते हैं, और जो सफल हो जाते हैं वो शादी करके घर में रहते हैं, ये असफल लोग हैं, मैं सफल आदमी हूं, ये मैं सफल आदमी, ये पीछे जल रहे हैं मेरे से। हाँ, जब देखिए शाह साहब आप होंगे बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े आदमी होंगे, घर जाते ही पत्नी एक सवाल पूछती है क्या बनाऊं, तो मेरे जैसा पति बोलता है 3 साल से बेवकूफ बनाई रही है, अध्याय समाप्त हुआ, आज कुछ बनाई दे, नहीं नहीं बताइए मैं क्या बनाऊं, आलू गोभी बना दे, बच्चे नहीं खाते, भिंडी बना दे, दादाजी को पसंद नहीं है, दाल फ्राई कर दे, लो कल ही तो बनाई थी, लास्ट में शाह साहब वही खाना पड़ता है जो पहले से बना के रखा हुआ है। लेकिन भक्त लोग ऐसा क्या बताऊं यार। अच्छा अमित शाह साहब, वाह 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 क्या कमाल के, अभी वो गुजरात में इलेक्शन हुआ तो वोट डालने गए तो ईवीएम मशीन ने अमित शाह जी को बोला सर आपको आने की क्या जरूरत थी, आप कह देते हम खुद ही पड़ जाते, मतलब क्या हाल हो गई है यार, क्यों आए आप इतना मोटा शरीर लेकर के, क्यों चल करके आए आप सर बताइए ना, योगा को प्रमोट कर रहे हैं यार, खुद की हालत देख लो, गृह मंत्री ऐसा लगता पूरा गृह उनके शरीर में ही बैठा हुआ है साहब, बताते हैं आनंद लीजिए यार, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग।